किराना लाइसेंस की पूरी जानकारी। क्या आपकी किराने की दुकान है और आप अपनी दुकान को सुरक्षित बनाना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो इसके लिए आपको लाइसेंस बनाना होगा। इससे आपकी दुकान कानूनी रूप से सुरक्षित हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके किराने की दुकान कानूनी तौर पर सुरक्षित हो जाए तो ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किराना दुकान का लाइसेंस कैसे बनाया जाए, लाइसेंस बनाने के लिए कितना खर्च होगा, कहां से बनाएंगे, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी इत्यादि। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। किराना दुकान की लाइसेंस बनाने का फायदा। सबसे पहले आपकी दुकान कानूनी तौर पर सुरक्षित हो जाती है। अगर किसी को सरकारी सहायता की जरूरत है तो उन्हें आगे रखा जाता है जिस बिजनेसमैन के पास लाइसेंस है। आपके दुकान में कोई भी दिक्कत आने पर आप कानूनी रूप से कार्रवाई कर सकते हैं। समय समय पर बिजनेसमैन के लिए सरकार द्वारा नई नई योजनाएं लाई जाती हैं, जिसके फायदे उन्हीं को मिलते हैं जिन व्यापारियों के पास लाइसेंस है। अगर आप चाहें तो कभी भी अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं, इसमें भी लाइसेंस मदद करेगा। किराना दुकान का लाइसेंस कैसे बनाएं? MSME रजिस्ट्रेशन। अगर आप अपनी दुकान को MSME के अंतर्गत रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होना आवश्यक है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल्स आदि। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बिना आप MSME में रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। अगर आप MSME में अपनी किराना दुकान को रजिस्टर करना चाहते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ MSME के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज MSME और दोज विद EM2। इस पर क्लिक कर देना है और सारी जानकारी दर्ज करके अपना लाइसेंस ले लेना है। GST रजिस्ट्रेशन। अगर आप अपने बिजनेस को GST के तहत रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर दुकान के नाम से है तो अच्छा है, नहीं तो आपका पैन कार्ड भी चलेगा, ईमेल आईडी, वैन मोबाइल नंबर, बैंक स्टेटमेंट, दुकान की डिटेल्स आदि। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको GST की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर सर्विस का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि आप अपनी किराना दुकान का लाइसेंस कैसे बनाएं, कितना खर्च होगा, क्या दस्तावेजों की जरूरत होगी इत्यादि। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।